प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कई बार दिमाग में ये आता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे बनानी है। एक्चुअली जब हमने सिस्टम स्टार्ट किया था, है ना, इनिशियली तो आप लोगों ने देखा था कि डायोड और ये सारी चीजें हैं। लेटर ऑन वी हैव यूज माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ओके, दीज चिप्स आर बेस्ड ऑन एरिथमेटिक सर्किट। एरिथमेटिक सर्किट, लॉजिकल सर्किट। ओके, सो एरिथमेटिक मीन्स प्लस माइनस स्टिक्स एंड डिवाइड। ओके, एंड सिमिलरली लॉजिकल मीन्स एंड और नॉट नॉट एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें ऐसी वायरिंग हो कि ये सारे प्रोग्राम्स जो है आप कर सको। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपने क्या कर दिया, इक्वल एंड टू आपने एक कीबोर्ड जैसा सर्किट बनाया। ठीक है, अब इस सर्किट में खास बात ये थी कि आप यदि 20 लिख रहे हैं तो 20 का मतलब एडिशन होगा, 21 लिख रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, 22 लिख रहे हैं तो डिवीजन होगा, 23 लिख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ वायर, जैसे आप बचपन में एक मैप खेला, मैप वाला रहता था ना कि किसी स्टेट को प्रेस करेंगे तो उस स्टेट की कैपिटल वहां पर ग्लो हो जाएगी, क्लियर। वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने हुए, आप 20 लिखते हो तो 20 के इक्विवेलेंट जो भी सर्किट है वो पूरा के पूरा ग्लो होना शुरू हो जाता है। अब ये ग्लो हो गया, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एड, सब्ट्रैक्ट, डिविजन और मल्टीप्लीकेशन अभी भी नहीं लिख पा रहे। जब आप असेंबली प्रोग्रामिंग करते थे तो केवल लोगों को समझाने के लिए आप लिखोगे एड ए कॉमा बी, पर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। यदि मेरे पास सॉरी मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, अब आपको दिखा रहा हूं एक और दूसरी चीज, है ना। ये एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारी चीजें लिखी हुई है, ऑपरेशन, ऑप कोड, रजिस्टर, सब लिखा हुआ है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन साइकिल, है ना। अब यहाँ देखिए, आप ये लिखा हुआ है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब लिखा हुआ है। अब आप इसमें ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस है और मशीन ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अब इन इंस्ट्रक्शंस पे ही आप सारा की सारा वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे ये एक ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया, तो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको कौन से एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, इसमें है कि नहीं ये मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो है, कंट्रोल यूनिट में रहना चाहिए। ये पूरे सर्किट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये पूरे सर्किट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बने हुए हैं। अब ये सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए, कोई तो तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है, ये कोडिंग होती है जिसमें आपने 20A 20B लिखा है तो उसकी अलग अलग मीनिंग होती है इंस्ट्रक्शन सेट की, ठीक है। और यदि वो मिल गया तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा। ये भी एक कुछ इंस्ट्रक्शन सेट है, यस। यहां दिख रहा है आपको, ऐड के लिए 000, ठीक है, इंक्रीमेंट के लिए 001,
सबट्रैक्ट के लिए 010, तो आपको ये कोड पेस्ट करना पड़ता था, प्रिंट करना पड़ता था, और इसके बाद ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा पाते थे। तो अब हर एक मशीन के लिए अलग अलग असेंबली आने लगी। तो इस असेंबली को अब किस तरह से हम यूज कर सके, उसके लिए क्या किया हमने, कुछ प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, क्योंकि अब डिस्प्ले वगैरह सब हम करना शुरू कर चुके थे। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग शुरू की, और प्रोग्रामिंग शुरू करने के बाद फिर सारी चीजें, मतलब हमने क्या किया, ग्रामर लिखी। सबसे पहले हमने ग्रामर लिखी और सिंटेक्सेस लिखे। क्या हो रहा है ये? यस। अब आपको यहाँ दिखाई दिया कि आप तरह तरह के कोड यूज कर रहे हो, है ना। अब इस कोड को यूज करने में जो साइंटिस्ट है, जैसे बहुत बड़ा कोड लिखना है, फैक्टोरियल का कोड लिखना है, तो कितने सारे 20, कितने सारे 30, ये सब आते जाएंगे। मतलब फैक्टोरियल का कोड लिखना है या एडिशन ऑफ टू नंबर का कोड लिखना है, तो मैंने लिखा 20, 21, 30, 35, सपोज दिस इज द कोड। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोड? नाउ वी हैव क्रिएटेड इक्विवेलेंट। इसके आउटपुट से हमने एक और चीज बनाई, एक और मतलब सिस्टम बनाया। ये तो असेंबली थी, असेंबली लैंग्वेज। इसके ऊपर हमने कुछ ऐसी कोडिंग की कि जो यूजर को और कोड करने का मौका, ठीक है। तो ये हमने असेंबलर यूज किया। असेंबलर क्या होता था कि आपको इक्विवेलेंट, जो आप कंपाइलर वगैरह देख रहे हो ना, वो सारी चीजें दिखाई देती। तो यहाँ पर हमने ग्रामर लिखना शुरू किया। ग्रामर, इसमें टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, ये सारी ग्रामर्स आई, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी आई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। ओके, जैसे आप एडिशन लिखते हो, एडिशन a+ b लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ये आराम से सॉल्व कर सकते हो यदि ब्रैकेट भी लगा रहे हो। और यदि a+ b, और फिर यहाँ अंदर प्लस लगाया, +c+d ऐसा कुछ लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रामर है, ग्रामर सिंटेक्सेस को चेक करती है और ये उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट जनरेट कर देती है। तो हमने यहाँ पर पास 1 यानी एक ही बार में कंपाइल होने वाला प्रोग्राम, और पास 2 यानी दो बार में कंपाइल होने वाले कंपाइलर बनाए। तो इनिशियली हमने सबसे पहले बनाया था इंटरप्रेटर, जैसे बेसिक का इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर की खास बात ये होती थी कि आपने एक लाइन कोड लिखा, एंटर किया, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता था, पर इट वॉज नॉट सफिशियंट। तो हमने फिर क्या बनाया, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता था, जो पूरा की पूरा कोड को पढ़ता था और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता था। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कंपाइलर। एक्चुअली बना रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते बनाते हमने एक लैंग्वेज बना ली, तो वो लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिए, और फिर इसके बाद उसी लैंग्वेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम बने। तो जितने भी प्रोग्राम जो हम लोगों को सिस्टम लेवल पे जितनी भी एब्स्ट्रेक्शंस है उनको हाइड करने के लिए जरूरी है, वो प्रोग्राम हमने सिस्टम के थ्रू लिखा। तो सबसे पहले बना कंपाइलर, और कंपाइलर की मदद से आपने सारे, कंपाइलर ने क्या किया कि ये सारे कोड के इक्विवेलेंट हमारे लिए मशीन यूजर अंडरस्टैंडेबल कोड जनरेट करवा दिए, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हमारा मतलब कंपाइलर और कैसे हाँ हम प्रोग्रामिंग। सर, यस, बस एक और चीज कि हमें मतलब प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनबिल्ट क्या है, मतलब उस मशीन में, मतलब वो कैसे उसका बना हुआ है। आजकल आजकल बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल नहीं सर, जिन्होंने सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था उन्होंने पहले, उनको पहले ये देखना पड़ा होगा कि मशीन के अंदर कैसे मतलब है चीजें, उसके बाद उन्होंने। हाँ, कैसे फर्स्ट कंपाइलर डेवलप हुआ, यदि उसकी हिस्ट्री मिलती है तो कल मैं आपको दिखा दूंगा, परसों जब भी क्लास लगेगी, ठीक है। ओके सर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बता दिया था, है ना, 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर भी बता दिए थे, ये बताए थे ना मैंने आप लोग को। सर आपने a++ और वो +++ वाला बताया था। ये बताया था, सर असेंबली ऑपरेटर, हाँ सर ये तो बताया था सर।
पर इसको आपने कोडिंग में नहीं बताया था सर। हाँ कोडिंग में नहीं, लेकिन ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था, कोडिंग हाँ हाँ यस में सर। मैं, है ना? हाँ। ये ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है? यस सर हाँ ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा, यूनरी ऑपरेटर होगा, हाँ और यस इसके बाद ये बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी जिसमें दो ऑपरेंड लगते हैं उनको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, हाँ वो यस ऑपरेटर नहीं जिनको कि हम, ये बताया था मैंने, है ना? इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट, और ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों हाँ ये बता देना सर, ये लास्ट था। इसमें, हम हमारे प्रोग्राम बचे हुए थे, है ना? यस सर। तो ये मैंने बताए थे करके, और इसके बाद हमारी प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4 बचे हुए थे सॉल्व एग्जाम्पल। मुझे पता नहीं कि ये वाला प्रॉब्लम मैंने बताया कि नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, आप लोग प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में कुछ भी नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप यस 10-12 प्रोग्राम, सर हाँ, शुरू और किया। हाँ, और कॉपी पेस्ट करके रन भी नहीं करवाना, ठीक है? आप खुद से लिखो, बहुत छोटे छोटे कोड है, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पर बहुत ही कम चीजें पेस्ट करता हूँ, सारी चीजें मैं खुद से आपको लिख के बताता हूँ। तो उसका रीजन ये है कि आप जब लिखोगे ना बार बार, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्या करना है ना? यस तो मैं आपको, ये हो गया कोड ब्लॉक, इधर आ गया, और पावर पॉइंट इस तरफ आ गया। स्क्रीन शेयर दूसरी करना पड़ेगा मुझे। तो कोड ब्लॉक और पावर पॉइंट साइमल्टेनियसली विजिबल है आप लोगों को? यस तो अब हम ये वाला प्रोग्राम देखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। ये प्रोग्राम में आई डोंट नो मैंने बताया है कि नहीं बताया है, पर फिर भी यहाँ आप सबसे पहले प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, इंटीजर मेन लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंक्लूड लिखते हैं, ये तो आपको पता है ना? इंक्लूड लिख दिया, stdio.h, और सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेना, लिखने से भी पहले सेव कर लेना है। सेव करने से क्या होता है, इंक्रीमेंट 1, ठीक है? सेव करने से यहाँ पर कलर आ जाते हैं, और इसके बाद हमने लिखा इंटीजर मेन, फाइन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर होना क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा इंटीजर एक्स, एक्स इक्वल्स टू लिखा है 4, ठीक है? ये हमने एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी। मैंने दूसरी लाइन में लिखा इंटीजर, ताकि क्लैरिटी रहे, वाई इक्वल्स टू 5, तो एक वैल्यू मैंने 5 लिखी है। इसके अलावा मैंने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, इंटीजर ए एंड बी, ठीक है? अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू मैंने लिखा प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स, ठीक है? और बी इक्वल्स टू लिखा मैंने, बी इक्वल्स टू मैंने लिखा प्लस प्लस वाई, फाइन। इसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ डबल कोट में स्लैश एन, ठीक है? ए इक्वल्स टू, और ए इक्वल्स टू, ठीक है? और ए इक्वल्स टू हमने लिखा परसेंट डी कॉमा ए। ये पहली चीज हुई। इसके बाद हम ए बी सारी वैल्यू दिखाते हैं, है ना? सारी वैल्यू ये हमने लिखा यहाँ। एक्चुअली पहले हम दिखाते हैं ए और फिर दिखाते हैं बी, बी की वैल्यू ये रख दी बी, और इसके बाद सी की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई एक्स, और वाई की वैल्यू हो गई वाई, ठीक है? और इसके अलावा, इसके पहले
इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले भी एक्स और वाई की कुछ वैल्यू है वो हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब इस प्रोग्राम का मोटो आपको समझ में आया क्या लिखा है मैंने? प्रोग्राम यही लिखा हुआ है पर थोड़ा सा अलग, इस जगह पे सेमी कॉलोन नहीं लगा है, कहीं भी नहीं लगा है, तो सब जगह वो एरर देगा। ये हमने कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन कर दी। यहाँ पर आंसर आएगा 4, एक्स की वैल्यू 4 दी है, वाई की वैल्यू 5 दी है। ये मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। इस जगह पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसके हिसाब से ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू भी हो जाएगी 6, ठीक है। और यहां पर क्या प्रिंट होगा? 5 6 5 6, क्लियर। तो ये ऑपरेटर कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले वो इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद ही वैल्यू प्रिंट करेगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये इस तरह से आउटपुट देगा। अब क्योंकि मैंने स्लैश एन लिखे ही नहीं है, गलत ही लिखे हैं सारे स्लैश एन, तो सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और जब आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, मान लो पोस्ट इंक्रीमेंट किया, तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, अब आप बताएंगे। सर पहले ए की वैल्यू होगी 4, हाँ, एंड देन इट विल बी 5। और अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू तो वही आनी है, कोई चेंज ही नहीं आएगा। यस लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, इस कंपाइलर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपने एक बार एक्स प्लस प्लस लिख दिया ना, ये ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है और ये b इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y प्लस वन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पर तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपको 5 मिलेगी और यहाँ पर 6 मिलेगी। तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले 4 5 आएगा, फिर से आएगा 4 5 और आएगा फिर लास्ट में 5 6। 4 5 4 5 5 6, क्लियर। Yes, sir. XY before, XY after, है ना? A और B तो हमने सिर्फ होल्ड करने के लिए लिया है, लेकिन ये इस तरह से आंसर आएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, इंक्रीमेंट डेमो में दूसरा। इसको किया सेव, इंक्रीमेंट 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये तो मैंने कर ही दिया है आपके सामने, अब भी कर दिया है ना, प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस। प्री इंक्रीमेंट वाला करना था, चलो मैं यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर कर देता हूँ प्री इंक्रीमेंट, वहां पर यदि पोस्ट लिखा है तो। इसका क्या क्या आउटपुट आएगा? सारी जगह 5 6 5 6 5 6 ही आएगा आंसर, है ना? 5 6 5 6 एंड 4 5। अच्छा, ये आउटपुट आप लोगों को सारे दिखाई दे रहे हैं ना, जो मैं प्रोग्राम रन करवा रहा हूं तो? यस सर। अब ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है पोस्ट डिक्रीमेंट, मैंने ये कर दिया माइनस माइनस,
और यहां पर कर दिया माइनस माइनस, यहां पर आंसर क्या आएगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी? फोर फोर। और बी की वैल्यू? फाइव और इधर एक्स की वैल्यू क्या आएगी नीचे? थ्री। थ्री और वाई की वैल्यू क्या आएगी? फोर थ्री और फोर। मतलब सही है, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो पूछ लेंगे, है ना, कैसे आ रहा है। फोर फाइव एंड थ्री फोर जो लिखा है वैसे का वैसा ही आउटपुट दे रहा है। क्लियर? और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यदि आप प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो आपको पता ही है कि पहले वो डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वो कोई भी वैल्यू लिख के देगा। ठीक, नाउ दिस प्री डिक्रीमेंट इज ओवर, पोस्ट डिक्रीमेंट इज ऑल्सो ओवर। नाउ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस, ये भी हो गया है। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पर ये नई प्रॉब्लम है। सेव, इंक्रीमेंट प्रॉब्लम, इंक्रीमेंट प्रॉब्लम वन। ठीक है, अब यहाँ क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है? इंटीजर आई इक्वल्स टू फोर, जे इक्वल्स टू फाइव, के इक्वल्स टू सिक्स और एल दिया है। ठीक है, तो अब हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू कर लेते हैं। जेड इक्वल्स टू सिक्स एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू, और इंटीजर डब्ल्यू। मैं ये प्रॉब्लम जो है ब्रेक कर करके दिखा रहा हूँ, है ना, उसके पीछे रीजन यही है। अब आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एल यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस फॉलोड बाय प्लस वाई प्लस प्लस फॉलोड बाय प्लस प्लस जेड। इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए? सिक्सटीन 16 आएगा। सो लेट अस सी, डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये तो लिखा ही हुआ है 16, तुमने देख ही लिया तो बहुत ही आसान है ना। एक्स प्लस प्लस मतलब हो जाएगा देखा फोर, नहीं सर। एक्स प्लस प्लस मतलब हो जाएगा फोर, क्लियर। और वाई प्लस प्लस मतलब क्या होगा? फाइव। फाइव ही होगा। और प्लस 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 जेड इज सेवन। सेवन। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? दिस विल गिव यू 16। क्लियर है किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा? सो दिस यस विल गिव यू, सर। या तो वाई इक्वल्स टू 16। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये अभी किया ना, फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ अब आपके सामने नेक्स्ट नया एग्जाम्पल, कंट्रोल सी, न्यू फाइल, कंट्रोल वी एंड सेव, इंक्रीमेंट प्रॉब्लम नंबर टू। यस, मेन इक्वल्स टू इंटीजर आई इक्वल्स टू मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू ऑल्सो माइनस वन, जेड इक्वल्स टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल्स टू टू, और एक और लेना पड़ेगा हमको यू, इंटीजर यू। या बेहतर ये है कि जैसे इन्होंने नोटेशन लिए वैसे ही ले लेते हैं। वन सेकेंड, हेलो,
तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक्स आई जे के ले रहे हैं हम, आई जे के एल एंड एम, नाउ दीज आर द वैल्यूज. सो आवर इक्वेशन इज एम इक्वल्स टू आई प्लस प्लस एंड, ओके द ऑपरेटर इज एंड जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस. अभी आप लोगों को जो मैंने एंड समझाया था ना वो है, और एल प्लस प्लस, ठीक है. अब इसका आउटपुट क्या आएगा देखिए, आई इज माइनस वन, इट मीन्स इट विल गिव यू वन. J++ plus plus is also no, it will not give you 1, this will give you 0, this will give you 0, this will give you 0 and this will give you 1. So answer will be 1. Okay, 0 0 1 3 1 1 3 1 kaise aayega. Acha abhi ab yadi hum print out lete hain, print karte hain, तो प्रिंट करने पर क्या वैल्यू आएगी. प्रिंट अप मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है. प्रिंट अप कितने स्टेटमेंट लिखने हैं, आई जे के एल एम, कंट्रोल सी. कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कल तुम लोग के सीनियर का एग्जाम हो गया होगा सी का, है ना. फर्स्ट इज आई, देन जे, देन के, देन एल, देन एम एंड, हाँ ठीक है. यदि मैं यहां पर एंड लिख दूंगा तो आंसर आएगा जीरो. पहले हम बिना एंड के देखते हैं जो ये लिखा हुआ है वो आता है कि नहीं आता है, क्यों आ रहा है वो भी चेक करेंगे, ठीक है. अच्छा सब में वाय वाय आ गया है, एक मिनट. आई जे के एल एम, और देखो ये आंसर इससे अलग आ रहा है ना, यहाँ पर 00131 लिखा है, हमने L इक्वल्स टू 2 लिखा है, L इक्वल्स टू 2 लिखा है, I इक्वल्स टू माइनस 1, J इक्वल्स टू माइनस 1, K इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 2, और इसके अलावा M इक्वल्स टू I प्लस प्लस एंड I प्लस प्लस एंड J प्लस प्लस एंड K प्लस प्लस और L प्लस प्लस लिखा है, और L प्लस प्लस I J K L नहीं लिखा था. अब ठीक है, यस. अब आप देखिए यहां पर पहला फर्स्ट वैल्यू इज I, I इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, J इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 नाउ, ओके, बट हियर इट इज माइनस वन माइनस वन, फाइन. देन के इज वॉट, के इज ऑल्सो इंक्रीमेंटेड बाय वन, यानी के की वैल्यू हो गई वन, एंड एल इज ऑल्सो इंक्रीमेंटेड बाय वन, देन एल की वैल्यू क्या हो गई, टू से थ्री हो गई, और इसके बाद एम, यहाँ हमने एम की वैल्यू वन रखी है. मान लो कि मैं इसको भी एंड कर दूं, तो जीरो एंड जीरो एंड जीरो एंड जीरो, व्हाट इज द आंसर, द होल आंसर इज जीरो, ओके. So let us check answer. Correct. 0 multiplied by anything is 0 and all are multiplication. So this is our logical operator. Clear hai? Koi doubt hai isme?
सर। ओके सो दिस इज बट द वैल्यू ऑफ एल ओके एल इज टू एंड एम इज जीरो हाउ एल इज टू एल मस्ट बी थ्री आई थिंक यस सर एल मस्ट बी थ्री अभी तो थ्री आया था सर इससे पहले ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले थ्री आया था हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि एल की वैल्यू थ्री आई थी एक और सेमी कोलन लगा के देख लेता हूँ Let us write L over here also. Two times writing of L. मुझे इसका रीजन पता करना पड़ेगा ठीक है आना तो तीन चाहिए जब हम यहाँ और लिखते हैं तो क्यों थ्री आता है ये और लिखा देन इट इज थ्री हाँ यस सर I J K L M पर यदि हम एंड लिखते हैं है ना तब प्रॉब्लम आ रही है तो ये पता करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है मे बी कंपाइलर की प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम आप लोग देख लो क्वेश्चन में भी और लिखा है हाँ नहीं ठीक है क्वेश्चन में और लिखा है दैट इज डिफरेंट थिंग पर यदि आप एंड लिखने से क्या प्रॉब्लम बढ़ रही है एंड लिखने से इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है ना अल्टीमेटली कि नहीं हो रहा यस सर यस अब यदि मैं सारी जगह और भी लिखूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है यदि मैं इस जगह पे भी और लिख दूं तो आंसर तो वही आना है चेंज तो होना नहीं है बस लास्ट वाला आंसर वन हो जाएगा अगेन एल की वैल्यू टू आ गई अब आप देखो यस सर यस सर और सर के की भी जीरो आ रही है हाँ यस सर के की भी जीरो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का वो है केस है आप देखो आई जीरो जे प्लस प्लस लिखने पे जे इज माइनस वन जे भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाया है ना और लिखने पे पूरा की पूरा जो फोकस है वो बदल जा रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कुछ नहीं करते हैं अभी इस प्रॉब्लम को ये थोड़ी कंपाइलर डिपेंडेंट प्रॉब्लम हो गई है तो इसको छोड़ देते हैं जैसा इसने प्रॉब्लम बताया है वैसा आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा ठीक है यदि हमने यहाँ एंड एंड लिख दिया इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है एंड एंड नहीं यहाँ पर और ठीक है तो ये आप लोगों को ये प्रोग्राम मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ यदि व्हाट्सएप चालू होगा तो अच्छा ये आपके पास पीपीटी में भी तो मिल ही गया होगा पीपीटी तो मैंने भेज ही दिया उसमें है ही प्रॉब्लम भले टेक्स्ट में है ना इसके बाद अगला है इसका आंसर क्या आएगा देखो ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है ये प्रोग्राम नॉर्मली टीचर्स बताते ही नहीं है बहुत सारे केसेस में नहीं बताते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसको बताना चाहिए क्योंकि क्या है कि कभी कभी हमको लगता है कि हम मेन के अंदर मेन लिखेंगे है ना मेन के अंदर मेन तो ये रन करेगा कि नहीं करेगा तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक लिखा है स्टैटिक स्टैटिक एक कीवर्ड है स्टैटिक इंटीजर आई इक्वल्स टू वन लिख दिया मैंने या फाइव लिख दिया चलो फाइव लिखा और बाकी कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है
और हमारे पास प्रिंट एफ का एक स्टेटमेंट है बस, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां इन्होंने क्या लिखा है, इस जगह पे वैल्यू लिखी आई, ठीक, और नीचे क्या कर दिया है, नहीं आई नहीं लिखा है, आई की जगह पे इन्होंने लिखा आई माइनस माइनस, तो 5 4 3 2 1 ऐसा आना चाहिए। अब इसके बाद हमने लिखा कि यदि इफ वेरिएबल, है ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा इफ वेरिएबल। इफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, इफ आई इक्वल्स, इफ आई मीन्स जब तक आई की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है, जैसी जीरो होगी ये टर्मिनेट होगा, आई की वैल्यू जीरो से ज्यादा रहती है। इफ आई का मतलब वेन एवर द वैल्यू ऑफ इफ इज ग्रेटर देन दिस, और इसके बाद हम सेमी कोलोन नहीं लगा रहे, सेमी कोलोन नहीं लगा रहे, और इट विल कॉल द फंक्शन मेन। ओके, इसी सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन। यदि आप इसको रन करेंगे तो, क्योंकि मैंने स्लैश एन बहुत सारे लिखे हैं, तो आपको एक के नीचे एक लिखा हुआ मिलेगा, 5 4 3 2 1, क्लियर। जैसी जीरो आएगा तो जीरो रन नहीं होगा, समझ में आई या नहीं आई बात सर? इसको ये कैसे पता लगा कि लगातार डिक्रीमेंट करना? हाँ, ये कैसे पता लगा? अब आप देखो, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, या मैं समझाता हूँ इसमें, है ना। यहाँ तक तो ये आपने देख लिया ना, आउटपुट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट में थोड़ा सा बस डाउट है आपको, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ दिखाता हूँ। ये आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है। मेन प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल लिया स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो ये वेरिएबल नाम का एक इंटीजर वैल्यू हमने ले लिया और इनिशियली हमने रखा इसको 5, ठीक है। अब ये प्रोग्राम ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले प्रिंटआउट में क्या आ गया, प्रिंटआउट में वेरिएबल माइनस माइनस, यानी वेरिएबल को पहले प्रिंट किया और डिक्रीमेंट इसके बात करके इसको 4 कर दिया। अब देखो कि 4 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, इसका मतलब है इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, है ना। तो इफ वेरिएबल, सो दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट? यस सर, ट्रू। सो ट्रू होने के कारण अब ये मेन फंक्शन को कॉल करेगा। मेन फंक्शन को कॉल करेगा मतलब फिर से प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, और फिर से एग्जीक्यूट होगा, अब वेरिएबल की वैल्यू 4 हो। ये स्टैटिक का मतलब ही यही होता है कि आपकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, यानी एक बार प्रोग्राम रन हो गया तो आपका वैल्यू 5 हो गया, दूसरी बार फिर रन करोगे तो 5 से ही स्टार्ट होगा, तो अब वो 5 से स्टार्ट ना होके 4 से होगा। अब 4 को इसने लिखा और यहां पर ये 4 को भी प्रिंट करवा दिया, 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद देखा कि 4 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, अब क्या हो गया, ये दिस 4 बिकम्स 3, 3 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट? यस यस सर। ओके, तो अब इसने क्या yes, किया sir. हाँ, इसको अब यहाँ पर कर दिया, ये तो 3 हो गया और यहाँ 3 आ गया इस स्टेटमेंट के बाद, और ये हो गया 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये फिर आगे जाएगा, है ना, और 2 इज ग्रेटर देन 0 में आगे आ गया और यहाँ आ गया 2, और 2 माइनस माइनस 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, अब ये 1 भी प्रिंट कर दिया, और पहले तो यहाँ से 1 प्रिंट किया, 1 2 को डिक्रीमेंट करके 1 पे लाया, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया और अब 1 को प्रिंट करेगा, और 1 को डिक्रीमेंट करने पर आ गया 0, नाउ इट इज 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन ये जो प्रोग्राम है वो स्टॉप किया, क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर लिखा हुआ static keyword is initialized 1. The change in the value of static variable is retained between the function call. Okay? Retain मतलब ये retain रहता है। मैंने कहा कि does not change, किसी किसी literature में लिखा है does not change means, यदि आपने 5 से 4 ला दिया तो 4 अगले statement में वो रह गई, तो it will retain between the function call. Main is also treated like other ordinary function and can be called recursively. तो आपने main के अंदर main को call कर लिया, clear है? This is first example of recursion and this is very useful. Okay?
अब इस जगह पे क्या होने वाला है, इस जगह पे आई की वैल्यू आपने 5 लिखी है, तो यहां पर 5 आ गई। अब यहां कितनी आई की है? हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक्चुअली ये ऐसे नहीं चलेगी, है ना, इसको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से रन नहीं होगा। यहाँ पर आएगा 5 और 5, इसके बाद ये जो 5 है अगला यहाँ मतलब राइट से लेफ्ट, तो ये बन गया 4। ये क्या हो जाएगा, 4 4 रहेगा या 5 रहेगा? पैरेलली एग्जीक्यूट तो नहीं होगा ये। यदि हम इधर से इधर जाते हैं, लेट अस सी आउटपुट ऑफ दिस। द आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल आर पुश्ड इनटू द स्टैक, ठीक है, बिल्कुल स्टैक में पुश किए, कीप कर लेते हैं हम, ठीक है, हम इसको सर, पुश ये करते जो हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन होता है सर, इसमें हम मतलब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ भी लगा सकते हैं सर, जैसे 4 + 5 फिर i = 4 + 5 देन i++ व्हाट विल इट बी, ऐसे कर सकते हैं सर। हाँ रुको, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा। पहले तो हो गया 5, यहाँ पर हुआ वापस से पॉप किया हमने, पुश करने के बाद इसको पॉप किया, पॉप करने पर आई की वैल्यू आ गई 5। इस आई को यदि हमने एग्जीक्यूट करवाया तो 4 आया, फिर इसको करवाया तो 5 आया, ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट करवाया तो भी 5 आया, ठीक है, और फिर इसको एग्जीक्यूट करवाया तो 4 आया। बिल्कुल सही, एकदम सही। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ दिस इज नॉट सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज स्टैक एंड क्यूज। स्टैक मतलब जैसे आपने घरों में देखा होगा रोटियां बनती हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन सी रोटी पहुंचती है नीचे, जो सबसे पहले बनी हो, तो हमारी सबसे पहले बनी हुई रोटी है i++। देन नेक्स्ट इज i-, ओके, देन ++ i। ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, मेमोरी में ये वैल्यू हम इस सीक्वेंस में लिखी रहती है, ठीक है। इसके बाद -i, एक्चुअली जो कंपाइलर बना रहे थे उनने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा करके। अब इसके बाद आप देखिए, जब आप इसको पॉप करोगे तो पॉप करने पर वैल्यू प्रिंट होगी, तो i की इनिशियल वैल्यू क्या है अभी, 5 है, तो ये i के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी, 5, ठीक है, ये पॉप हो गया, बाहर आ गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद -i लिखा है, -i का मतलब 5 - 1, ओके, पहले वो डिक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट करने के बाद अब अगली वैल्यू ये क्या प्रिंट करेगा, अगली वैल्यू इन्होंने यहाँ पर इसकी जगह पे, हाँ यहाँ मैंने बताया ना, इसकी जगह पे 5 प्रिंट कर दिया, अब इसकी जगह पे 4 प्रिंट किया। 4 प्रिंट करने के बाद फिर से हमारे पास जो ऑपरेटर दिया है वो क्या दिया हुआ है, ++i, ये भी बाहर निकल गया, अब ये आया, ये बाहर निकलेगा, ये प्रिंट होगा, तो अभी 4 था, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5, यहां पर ये आ गया 5। अगले ऑपरेशन को परफॉर्म जब हम कर रहे हैं तो ये 5 वैल्यू आ चुकी थी, i = 5 हो चुका था। i = 5 होने के बाद अब हमको क्या करना है, i को प्रिंट करना है, तो पहले i को प्रिंट करेगा, यानी 5 को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये बन जाएगा 4, तो पहले वो 5 को प्रिंट करेगा और फिर बनेगा 4, ओके। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 4, आई की वैल्यू हो गई 4। अब 4 आने के बाद ये पहले क्या करेगा, 4 को प्रिंट करेगा और फिर 5 लिखेगा, तो यहां पर आ जाएगा 4, तो ये आंसर, इसलिए 4 5 4 5 आ रहा है। कोई डाउट सर? नो सर, क्लियर, नो डाउट।
नो सर। क्लियर है ना? जब आप ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर लिखे हो ना, तब आपको करना ये है कि इसका स्टैक बना लेना है। स्टैक बनाने के बाद स्टैक में आप पुश करते हो रोटी एक के बाद एक, जो सबसे नई रोटी होगी वो सबसे ऊपर आएगी। इसके बाद जो न्यूएस्ट रोटी है आप उसको पहले खाओगे, उसके बाद उससे ओल्ड, उसके बाद उससे ओल्ड, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है एक के बाद एक। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। नाउ सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन। एक्चुअली फॉर लूप आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लूप 0, 1 और 2 पर चलेगा। इनिशियल वैल्यू इज 0 एंड आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड आई प्लस प्लस। ओके। अब सबसे पहला ऑपरेशन आपको दिया हुआ है सी इक्वल्स टू ए प्लस 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 बी। फाइन। यहाँ आपको मतलब फिर से स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पे आना पड़ेगा। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 3 और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 6, है ना? तो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 हो गया। फर्स्ट इटरेशन में आंसर आ गया 10, इट इज 3 एंड इट इज 7। नाउ आपके पास अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है और ये हो चुकी है 7। अगले इटरेशन में जब आप इसको रन करेंगे तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस प्लस की जगह पे कितना आ जाएगा 4 और प्लस प्लस बी की जगह पे कितना आ जाएगा 8। कितना आ गया आंसर 12। अगले इटरेशन में जबकि ए की वैल्यू क्या है 5 है और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है 7 की 7। अगले इटरेशन में ये क्या हो जाएगा, ए को 5 प्रिंट करेगा और इट विल बिकम 6 और बी को कितना प्रिंट करेगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, फिर से देख लेते हैं नहीं सर, सही है। कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, फिर से कर लेते हैं। 0, 1, 2। ओके। ए की इनिशियल वैल्यू रखी है हमने, ए की इनिशियल वैल्यू है 3 और बी की इनिशियल वैल्यू है 6। ओके। बिकॉज ऑफ ए प्लस प्लस जो प्रिंट है मैं उसको स्क्वायर से कर देता हूँ, है ना? और जो उसके फाइनल वैल्यू आएगी ये ए प्लस प्लस है और ये प्लस प्लस बी। नाउ प्रिंट होगा 3 और वैल्यू आएगी 4, ठीक है? और यहाँ पर प्रिंट कुछ नहीं होगा, ना वैल्यू कुछ होगी, बल्कि सीधे इंक्रीमेंट करके ये 7 ला देगा। तो इनिशियली नाउ व्हाट इज द प्रिंट आउट, प्रिंट आउट इज 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10। सो दिस इज अवर प्रिंट आउट। हियर ए की वैल्यू इज 4 एंड बी की वैल्यू 6। ओके। अब यहाँ क्या होने वाला है आपके पास, 4 को तो एज इट इज लेने वाला है, ये 4 को एज इट इज लेने वाला है, यस। और यहाँ पर क्या करेगा, इसको 6 को एज इट इज ना लेके किसको लेगा, 7 हो चुका है, 6 नहीं, सॉरी, हाँ यस सर, यस यस 7। ओके। तो 7 को ना लेके वो क्या लेगा, 8 को लेगा, ठीक है? 8 को लेने के बाद कितना आ गया, ये 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। ओके। और जो नई वैल्यू आ चुकी है वो क्या हो चुकी है 5 यहाँ पर। अब यहाँ से हमने न्यू वैल्यू को काउंट लिया 5 और यहाँ की न्यू वैल्यू कितनी है 8। तो 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन न्यू वैल्यू हो गई 6 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ओके। न्यू वैल्यू इज ऑल्सो 9 एंड प्रिंट आउट इट ऑल्सो 9, सो नाउ आंसर इज 14। क्लियर? यस सर, यस सर। तो ये ऑपरेटर्स हो गए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्लियर है? यस सर, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। आप थोड़ा सा और वर्क कीजिए, और एमिटी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी सी की बुक है, और कुछ दिनों में मैं एक बहुत पुरानी सी बुक हम लोगों ने लिखी थी, है ना, कितनी काम आती है, वो आप लोगों को देता हूँ मैं जैसी मिलती है तो। ठीक। ओके सो ये मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली और इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ